नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जेल इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी। आप सबका कक्षा 11 रसायन विज्ञान में अध्याय 2 परमाणु संरचना के अध्ययन हेतु स्वागत करता हूं। आज हम लोग परमाणु संरचना अध्याय के व्याख्यान 7 में जिन शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। अफवाह का नियम, अफवाह नियम के अपवाद और N प्लस L नियम तथा इलेक्ट्रॉनों द्वारा कक्षकों के भरने का क्रम। अफवाह के नियम द्वारा विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव किया जाता है। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हम पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड के नियम को सीख चुके हैं, जिनके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों में भरने के नियमों को जान चुके हैं कि किस कक्षक में और किस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तथा प्रत्येक कक्षक में अर्थात किसी एक कक्षक में विपरीत चक्कर के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम अफवाह के नियम के द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात तत्वों के विभिन्न उपकोषों और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के सिद्धांत को सीखेंगे। आइए अध्ययन करते हैं सबसे पहले अफवाह के नियम का। अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। अतः इस नियम के अनुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उनके उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के उपकोषों में प्रवेश पाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों कक्षकों में उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। जैसे जैसे हमें उच्च ऊर्जा के कक्षक प्राप्त होते हैं, हम उनमें इलेक्ट्रॉनों का भराव करते हैं। यह बात अफवाह के नियम के अनुसार होती है। इस प्रकार उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का एक क्रम प्राप्त होता है, जिसे यहाँ रेड कलर से लिखा गया है। यह क्रम तब हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि यह क्रम इस डायग्राम से ही आता है। यह इस डायग्राम में जो गोले में 1s, 2s, 2p इत्यादि कक्षक लिखे हुए हैं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव इस चित्र के अनुसार, इस डायरेक्शन के अनुसार होता है। इसमें क्या होता है कि हम 1 से लेकर 7s तक क्रम से कक्षकों को बना लेते हैं, क्योंकि पहली कक्षा में केवल एक s उपकोष होता है। यह बात हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल और पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार जानते हैं कि के कोष में केवल एक उपकोष होता है, क्योंकि उसके लिए n का मान 1 होता है। इसका मतलब ये हमारा के कोष है, तो के कोष में एक इलेक्ट्रॉन, माफ कीजिएगा, एक उपकोष होता है, जिसे हम 1s कहते हैं। एल कोष में हम जानते हैं 2 उपकोष होते हैं, 2s और 2p, क्योंकि l के लिए n बराबर 2। इसी प्रकार क्यू अर्थात n बराबर 7 के लिए हम 7s और 7p, आगे 7d 7f होते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का काम इतने उपकोषों से चल जाता है जो हमने बना लिए। इन उपकोषों में अर्थात इन उपकोषों के कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉनों का भराव ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन में करते हैं चित्र के अनुसार, जिससे हमें उपकोष स्वतः ही बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में प्राप्त हो जाते हैं। उसी क्रम को यहाँ लिखा गया है। देखते हैं कि इस वाले डायग्राम से ये क्रम कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s कक्षा में भरा जाता है। इसका यह आशय हुआ, मान लीजिए किसी परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन 1H फॉर हाइड्रोजन। अगर हम ये देख के चलें कि हाइड्रोजन जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हमें उस एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के को कक्षक में बताना है कि वह कौन से कक्षक या कौन से उपकोष में है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन उसके पहले कक्षा के S उपकोष में जाएगा, उसे हम 1s। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम पीछे जान चुके हैं, पिछले व्याख्यान हम सीख चुके हैं कि उपकोष के ऊपर घात के रूप में लिखते हैं, इसे पावर तो नहीं बोलते हैं लेकिन ऊपर लिख लेते हैं, तो 1s 1 हो गया। इसका मतलब हुआ कि पहली कक्षा के S उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसको कहा 1h इक्वल टू 1s 1। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जैसे ही हम हीलियम लेंगे, 2he लेंगे अगर हम, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन 1s के s कक्षक में भर जाएंगे, यानी इसका विन्यास हो जाएगा 1s 2।
अब हमारा नियमानुसार एस उपकोष पूर्ण हो गया, क्योंकि एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या हो सकती है दो, तो ये एस पूरा हो गया, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वन एस में जाते हैं। उसके बाद देखिए ये इस प्रकार लाइनें इस प्रकार रेड वाली बनाई गई है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षकों में जाएंगे जहां इस चित्र के अनुसार दर्शाए गए हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन अगले जाएंगे 2s कक्षक में, अगर हमारा 3li हो तो हम लिखेंगे 1s2, क्योंकि 3li के दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो जाएंगे। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो बचा वो इस 2s में जाएगा, 2s में गुंजाइश दो इलेक्ट्रॉन की है तो एक जाएगा इसमें, तो हम लिखेंगे 1s2, कॉमा लगा के लिखते हैं 2s1। इसका आशय यह है कि 1s के एस कक्षक में अर्थात पहली कक्षा के एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के या दूसरे कोष के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का योग करें 2 और 1 3 जो इसके बराबर आना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि 2p के बाद 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। यदि हम 4be बेरिलियम का बनाते हैं तो 1s2 यानी दो इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर दो इलेक्ट्रॉन इसमें अर्थात 2s2, यहां जाकर के ये हमारा कक्षक भी फुल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 2p में, तो हमने इस आधार पर इस क्रम को लिखा है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में, उसके बाद 1s से ज्यादा ऊर्जा होती है 2s की, इसलिए सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, आप डायग्राम देखते जाएं मैं दिखाता जा रहा हूं, फिर 2s के बाद कहां जाएंगे आप लोग अपने आप आंसर दे रहे होंगे 2p में, और 2p के बाद जाएंगे 3s में, 3s के बाद डायरेक्शन हमारी कहां जा रही है 3p में, तो हम 3p को दिखाएंगे, 3p के बाद कहां जाएंगे 4s में, 4s हो गया, 4s के बाद कहां जाएंगे 3d में, तो 3d हो गया, और हम ये जानते हैं कि s में 2, p में 6 अधिकतम, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी अनुसार हम तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात तत्वों के परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव कर सकते हैं। तो आप देखिए 3d के बाद कौन आ रहा है 4p, कौन सा आ रहा है 4p, यहां हम अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा निशान बनाएंगे 4s और 3d पर। इसका यह मतलब हुआ कि तीसरी कक्षा का ये 3d है, 3p है, फिर 3d है, ये तीसरी का, तो 3d बाद में भरा जाता है, पहले 4s भरा जाता है, और डायरेक्शन हमारा डायग्राम का बोल भी रहा है कि 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s। तो ऐसा क्या कारण है कि 3p के बाद 3d नहीं बल्कि 4s भरा जाता है, इसको अगले टॉपिक में जो आज ही के व्याख्यान में हम उसकी चर्चा करेंगे, n+l नियम उससे समझेंगे। अभी हम देखते हैं इस चित्र के अनुसार कि हमारा इलेक्ट्रॉनों के भराव उपकोषों में किस क्रम में होते हैं, कक्षकों का क्रम क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उनको इस क्रम को प्राप्त कर रहे हैं इस डायरेक्शन इस डायग्राम से। तो 3d के बाद 4p आया आपका, और 4p के बाद क्या आया 5s, और 5s के बाद आया वापस जाके ऊपर से आता है 4d। डायग्राम बनाने का तरीका आप सीख लीजिए, और 4d के बाद 5p, और 5p के बाद पुनः 6s, और 6s से बाद 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 4f से ज्यादा ऊर्जा होती है 5d की, तो ये ऊर्जा का कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम भी है और इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने का क्रम भी है। और 5d के बाद आप देखिए 6p, और 6p के बाद 7s, और 7s के बाद तब भरा गया 5f, कौन सा भरा गया 5f, और 5f के बाद 6d, और फिर आता है 7p। तो इस प्रकार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम के आधार पर बना सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, कुछ और बना रहे हैं, जैसे 5 बोरोन बराबर, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है तो हम उसको लिखेंगे 5b, बोरोन का मतलब b और 5 उसका z है, परमाणु क्रमांक है, तो 5 बोरोन यानी 5 बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में हो जाएंगे, यहां से 1s2 लिख दिया। अब उसके पास 3 बचे, 3 में से 2 इसमें, तो 2s2 हो गया, और अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो कहां जाएगा p में, कहां जाएगा 2p1। अभी p में कितनी और गुंजाइश है 5 की, बिकॉज p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। अब हम देखते हैं 6 कार्बन का, इसका देखते हैं 6 कार्बन का, तो ये भी आएगा 1s2, 2s2 और ये हो जाएगा 2p2, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2 इसमें और 2 इसमें। अब इसको तब तक भरते रहेंगे जब तक कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन न हो जाए, और 6s के बाद अगर हम 10 नियोन का बनाते हैं, 10 एनी का बनाते हैं, तो बनता है 1s2, 2s2, और 2p पर रुक के गिन लेते हैं, इसलिए
दो और दो कितने हो गए चार, और दस में से चार कम गए कितने बचे छह, यानी छह मुझे और भरने हैं, वो छह के छह इस पी में हो जाते हैं, तो पी हमारा फुल हो गया। कौन सा फुल हो गया, यहां तक का फुल हो गया, टू पी हो गया, 1s2 2s2 2p6। तो कार्बन का बनाएंगे तो बनेगा 1s2 2s2 2p2, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और नियॉन में 10 होते हैं, तो नियॉन के 1s2 2s2 2p6 बन जाता है। इस प्रकार हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। हम रैंडम ले रहे हैं थोड़े बड़े परमाणुओं का, हम 19 पोटेशियम का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, 19 पोटेशियम का। तो आप देखिए 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं पोटेशियम के विभिन्न कक्षों में, कैसे बनेंगे, सबसे पहले 1s में तो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6, मैंने यहां तक तो भर दिया, 10 हो गए, 2 2 4 और 6 10, 2 और 2 4 और 6 10। अब देखिए आप आगे कि ये हुआ 3s2 बन गई, यहां 2 की विन्यास है, मेरे पास 19 है तो 2। अब 3s के बाद कहां जाएंगे, 3p में, तो हमने 3p6 के बाद कहां जाएंगे, 4s में, तो 4s2 यहां जोड़ देते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गए, एक हमने ज्यादा लिख दिया, अतः यहां कितना करें, 1 करेंगे, कितना करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 नहीं है, 19 है, तो s में कितने रह गए, 1, हमारे पास s में 2 की गुंजाइश थी, लेकिन अभी हमने 1 ही किया, क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है, हमारे 19 यहां आकर के पूरे हो गए, अगर 20 होता तो 4s2 लिखा जाता। इसी प्रकार यदि हम लोग 20 का बना देते हैं, 20 कैल्सियम का होता है, तो अगर उसका बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ 19 का, और 3p6, अब जोड़ते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 होना है, तो 3p6 के बाद कौन है, 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s में 2, तो ये हो गया 4s2। इस प्रकार आप तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस अफबाऊ नियम के आधार पर बना सकते हैं। यदि आपको 21 का बनाना है तो कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन अगला, 4s के बाद 3d में, तो हम क्या लिखेंगे, 4s2 के बाद 3d1, क्योंकि 21 है, और 22 होगा तो 3d2। आप सब लोग आंसर दे रहे हैं मुझे अनुमान है, और जैसे ही 23 करेंगे तो आंसर यहां पे क्या जाएगा, 3d3, क्योंकि यहां तक 20 हो गया था। यस, इस प्रकार आप इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। अब अफबाऊ ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक अफबाऊ के नियम के अनुसार हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव कर सकते हैं, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जो कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते बल्कि इसे विचलन प्रदर्शित करते हैं, अतः हमारा अगला टॉपिक होगा अफबाऊ के नियम के अपवाद। आइए आप देखते हैं कौन कौन से अपवाद हैं, कौन कौन से वे तत्व हैं जो अफबाऊ के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अब अध्ययन करते हैं अफबाऊ के नियम के अपवाद का। अफबाऊ के नियम के अपवादों को हम 3 बिंदुओं में देखते हैं। इनमें उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जाते हैं जो अफबाऊ के नियम के आधार से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वे अफबाऊ के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते। उनमें 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु ऐसा है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाह्यतम कोश के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन अफबाऊ के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, किंतु इन सभी में उस उपकोष से एक एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम से पिछले कोश के d उपकोष में अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए चला जाता है। अर्थात इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा तत्व अधिक स्थायी विन्यास या अतिरिक्त स्थायी विन्यास धारण कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो अपने अंतिम कोश के s इलेक्ट्रॉन को अंतिम से पिछले कोश के d उपकोश में जाने देते हैं या भेजते हैं, वो हैं परमाणु क्रमांक 24 अर्थात 24 क्रोमियम, 29 कॉपर Cu, 41 Nb नायोबियम, 42 Mo मॉलिब्डेनम, 44 रुथेनियम, 45 रोडियम, 47 सिल्वर, 78 प्लेटिनम, 79 गोल्ड Au और 111 यानी 111 रो एंटेजेनियम। तो इस प्रकार ये तत्व कैसे हैं, इनके अंतिम कोश का एक s इलेक्ट्रॉन अंतिम से पिछले कोश के d उपकोश में चला जाता है और अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। तो आइए कुछ इनमें से एग्जांपल्स देख लेते हैं। शेष आप बनाएंगे,
कुछ हम बना के आपको बताते हैं, नियम यही फॉलो करेंगे कि अंतिम कोष का एस इलेक्ट्रॉन, वन एस इलेक्ट्रॉन यानी एक एस इलेक्ट्रॉन पिछले अंतिम से पिछले कोष के द्वियुग्म कोष में चला जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, सिंपल है कि तो देखिए अफवाहों के नियम के अपवाद के उन उदाहरणों को देखते हैं जिनके जिन तत्वों के अंतिम कोष के एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन, उन एस इलेक्ट्रॉन्स में से एक एस इलेक्ट्रॉन अंतिम से पिछले कोष के डी उपकोष में चला जाता है और अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त होता है। ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं, सबसे पहले 24 क्रोमियम। तो 24 क्रोमियम का अपेक्षित विन्यास अफवाहों के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, अफवाहों प्रिंसिपल के अनुसार क्या बनेगा कि 1s2, ये रहा आपका वो क्रम जो अफवाहों के विन्यास, अफवाहों के सिद्धांत, अफवाहों के नियम के अनुसार डायग्राम से हम लोगों ने प्राप्त किया था जिसमें कक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किया था, उसको हमने यहां लिख दिया है ताकि आप इससे अपेक्षित विन्यास बनाना बना सकें। आप जब भी इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तत्वों के तो इस क्रम को जरूर याद रखें, इस क्रम के आधार पर आप अपेक्षित विन्यास बना लें। उसके बाद जो अपेक्षित विन्यास में विचलन देखा जाता है, जो अंतर आता है, उस अंतर के आधार पर वास्तविक विन्यास बना लें। इसलिए इस टेबल में दो बनाए गए हैं। देखिए पहला कि पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये हमने अफवाहों के नियम में पढ़ा था, अभी अभी अध्ययन किया था। अब देखते हैं 24 क्रोमियम का अपेक्षित विन्यास क्या आएगा। तो अगर 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कक्षकों में कैसे बनेंगे, दो इसमें 1s में, तो 1s2, फिर 2s2, 2p6 यहां तक, फिर 3s2 ये हो गया, फिर 3p6 यहां तक आ गया, यहां तक 18 हो जाते हैं, फिर 18 और 2 20 यानी 4s2 में 2, फिर 3d में 20 के बाद 24 बनना है तो 3d में 4। तो ये अफवाहों के नियम के अनुसार अपेक्षित विन्यास हमारा है, ये होना चाहिए था। अब इसको अक्रिय गैसों का प्रयोग करके विन्यास को शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में लिखने का एक तरीका होता है जिसमें AR का मतलब है 18, मैंने कहा था यहाँ पे 18 हो जाता है 3p पर। तो इसका मतलब यहां तक आर्गन का विन्यास है, आर्गन का विन्यास स्थायी विन्यास है क्योंकि वो अक्रिय गैसें स्थायी विन्यास वाली होती हैं, उनके सभी कोष और उपकोष सभी उपकोष पूरे भरे होते हैं, उनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वे तत्व जिनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो हीलियम को छोड़कर अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं, जैसे आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रम से करते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन। तो ये आर्गन का हम प्रयोग कर रहे हैं 18 का यहाँ, तो ये 18 हो गया, इसको संक्षिप्त रूप में यहां तक तो 18 हो गया, 18 के बाद 4 22 और ये 2 24, तो यहां तक तो फिक्स है आर्गन, उसके ऊपर का हम यहां लिख लेते हैं, तो 20 से ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आर्गन लिखकर भी बना सकते हैं संक्षिप्त फॉर्म में, तो हमने ये याद लिख लिया है इसलिए ऐसे लिखा गया और के। अब देखते हैं यहाँ पे अफवाहों के नियम के अपवाद की बात करते हैं, हम टॉपिक पे आए कि ये एस इलेक्ट्रॉन जो 4s2 का है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, कहां चला जाता है 3d में, अंतिम कक्षा चौथी है तो चौथी से पिछली कक्षा कौन सी होगी, तीसरी, और तीसरी के कौन से कोष में जाए, तीसरे के कौन से उपकोष में जाएगा, डी में जाएगा, तो यहां पे क्या होना चाहिए, वो जाएगा 4s1 3d5। तो आप देख लीजिए ये हो गया 4s1 3d5, शेष विन्यास जो 18 आर्गन का वो वैसे ही लिखा हुआ है, तो AR में कोई चेंज नहीं, यानी यहां तक कोई परिवर्तन नहीं, तो AR और 3d5 तीसरी कक्षा को पहले लगा दिया, भले किसी क्रम में जाते हैं, ये लिख लिया है ऐसे केवल 3d5 और 4s1, आप इसको लिख सकते हैं, नीचे वाले को ना लिखे तब भी सही, और नीचे वाले को लिखना सीख लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो आपने लिखा AR 3d5 4s1 और ऊपर के हिसाब से आपने यहाँ 4s1 3d5। अगर हम 29 कॉपर का देखें, हाँ यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि ये अधिक स्थायी विन्यास क्यों है, क्योंकि अगर हम डी में देखें तो 5 कक्षक होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन सब इस प्रकार भर गए, तो ये एक सममित व्यवस्था है, यानी सममित व्यवस्था अधिक स्थायी होती है, तो ये पहले 3d4 थे तो यहीं तक था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये एक हाफ फिल्ड सममित व्यवस्था हो गई, अर्धपूरित व्यवस्था हो गई, ये पहले की अपेक्षा अधिक स्थायी है, तो इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए यह अफवाहों के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में 3d में चला जाता है 4s से। अब देखें 29 Cu, इसका अपेक्षित विन्यास उसी प्रकार बनाया तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9, यानी d में 9 आएंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन s का जब 9 में जाएगा तो ये 3d10 हो जाएगा, यहां अर्धपूरित व्यवस्था प्राप्त हुई थी, यहां पूर्ण पूरित व्यवस्था
प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब हुआ 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कैसे, यहां रह गया 4s1 और ये हो गया 3d10। इसको उसी FPDS की तरह लिख सकते हैं, Ar 3d10, Ar मतलब आर्गन 18, यहां 18 भी ऊपर लिख सकते थे, तो Ar 18, 18 10 28 और 29। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे बने होंगे, 1 1 1, पहले सममित व्यवस्था फिर विपरीत चक्कर वाले, और ये 10, ये पूर्ण कक्षा को भर गए सभी। इसका मतलब पूर्ण पूरित उपकोष है, ये पूर्ण पूरित व्यवस्था है, कंप्लीट स्टेबिलिटी है, इसलिए ये अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s का 3d में चला जाता है। इसी का 41 का देख ले हम, नायोबियम का, तो उसमें हमने Kr को यूज किया है, क्योंकि 41 36 से ऊपर है, ये वह अक्रिय गैस तत्व तो है जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है, कितना होता है 36, इसे क्रिप्टॉन कहते हैं। तो ये संक्षेप लिखने में क्रिप्टॉन लिख लिया, और ये क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कहां तक होगा, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36, यहां तक क्रिप्टॉन है। तो ये इसी क्रम से हम भर लेंगे, और उसके बाद देखिए 4p6 ये रहा आपका, ढूंढ लीजिए आप, ये रहा 4p6, इसके बाद कौन आ रहा है 5s, तो 5s लिखा है 2, और उसके बाद आ रहा है 4d, तो 4d में 3 आ जाएंगे, क्यों, यहां तक हमारा 36 और 2 38 और 3 41। अब 41 में क्या होगा कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, डी में चला जाएगा, तो विन्यास क्या बनेगा 5s1 4d4। इस पॉइंट के आधार पर कि s ए अंतिम कोष के एक s इलेक्ट्रॉन अंतिम से पिछले कोष के डी उपकोष में चला जाता है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बना सकते हैं। अब हम देखेंगे आप वाउ नियम के कुछ ऐसे अपवाद जो दूसरे बिंदु पर निर्भर करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखते हैं आप वाउ नियम के अगले अपवाद क्या है, उनमें सेकंड पॉइंट आता है एफ ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप वाउ नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं और पूर्णतः आधारित नहीं होते हैं, वहां कई जगह उनसे आप वाउ नियम से विचलन देखा जाता है, वो आप वाउ नियम पर आधारित नहीं होते। थर्ड पॉइंट है परमाणु क्रमांक 46 वाले तत्व के अंतिम कोष के दोनों एस इलेक्ट्रॉन उससे पिछले कोष के डी उपकोष में चले जाते हैं। अब तक एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब दोनों इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष के डी उपकोष में, अंतिम कोष से पिछले कोष के डी उपकोष में चले जाते हैं। तो देखिए जैसे इसका एग्जांपल है 46 पैलेडियम, कौन है 46 पैलेडियम, इसका अपेक्षित विन्यास क्या होता था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d8। इन सबको अगर जोड़ते हैं तो 2 2 4 6 10, तो 12 6 18 2 20 10 30 36, यहां तक हम वही तरीका अपना सकते थे कि क्रिप्टॉन लिखते थे, क्या लिखते थे क्रिप्टॉन, ऊपर 36 लिख दो तब भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, आगे क्या बचा 5s2 एंड 4d8। तो अब ये अंतिम कक्षा के हैं 5 कक्षा के 2s इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं 4d में, अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में चले जाते हैं। तो विन्यास सही जो बनता है हम लिखेंगे, इसको किताबों में लिखने का तरीका आज चर्चा कर लेते हैं, क्या है कि तीसरी कक्षा के जैसे 3s 3p ये है 3d ये भरता इसी क्रम में जो मैंने ऊपर लिखा है, परंतु विन्यास को जो भर जाता है उसके बाद हम कंप्लीट करके ऐसे भी लिख देते हैं कि तीसरी कक्षा को इकट्ठा कर लेते हैं, चौथी को इकट्ठा कर लेते हैं, बची हुई पांचवीं है, ये दोनों ही ठीक है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डायग्राम के अनुसार बनाएंगे तो ऊपर वाला यही बनेगा। तो ये हुआ पैलेडियम का अपेक्षित विन्यास, लेकिन ये अपवाद प्रदर्शित करता है, यह विचलन प्रदर्शित करता है, इसलिए क्योंकि पांचवी कक्षा के एस के दोनों इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा के डी उपकोष में चले जाते हैं, तो अपेक्षित विन्यास के बाद वास्तविक विन्यास क्या बनेगा वो यहां लिख देते हैं 46 pd = 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक हो गया। अब 3p6 आगे चलते हैं 4s2 ये, फिर 3d10 ऑफ 4p6, उसके बाद ये 5s समाप्त हो गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हो गया 4d10। तो वास्तविक विन्यास ये प्राप्त होता है हमें, इसको जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20 10 30 36 और 10 46, कितना हो गया 46। तो इसको कैसे और लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन के पदों में लिख सकते हैं, तो Kr ये 36 हो गए। अब हमें 10 और लेने हैं, तो 10 के लिए क्या करेंगे, सीधे 4d10, ये हमारा बन जाता है 46 पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr 4d10। तो ये आप वाउ नियम के अपवाद थे, अब देखेंगे n+l नियम। अब देखते हैं n+l नियम, यह नियम इलेक्ट्रॉनों
के उपकोषों में वितरण की व्यवस्था को और अच्छे से समझाता है और अच्छे से व्यक्त करता है। इसके आधार पर हम ये जान पाते हैं कि किस कक्षक या किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। इस नियम के अनुसार अर्थात एन प्लस एल नियम के अनुसार कोई नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए एन प्लस एल का मान न्यूनतम होता है। जहां एन मुख्य क्वांटम संख्या और एल दिगंशी क्वांटम संख्या है, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के लिए एन और एल के मान ज्ञात करना हम पिछले व्याख्यानों में सीख चुके हैं। तो यह नियम क्या कहता है, एक बार फिर से इसको देखिए कि एन प्लस एल नियम के अनुसार कोई नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए एन प्लस एल का मान न्यूनतम होता है। यदि दो या दो से अधिक उपकोषों के लिए एन प्लस एल के मान समान हो तो उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है जिसके लिए एन अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान न्यूनतम होता है। आइए देखते हैं इसके उदाहरणों को किस प्रकार हम समझेंगे। अफबाउ नियम के आधार पर उपकोषों के में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम इस प्रकार प्राप्त हुआ था, जिसमें 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद 4p में जाते हैं, फिर 5s, फिर 4d और फिर 5p और 6s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये क्रम आगे अनवरत 7p तक जारी लगभग रहता है, जहां तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं। अब आप देखिए कि क्या कारण है कि हम दो कोई कक्षक ले लें तो उनमें से पहले वाले कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश क्यों करें, या ये यहां लिखा गया 3d 4s से पहले लिखा गया, जबकि 3d माफ कीजिएगा 4s 3d से पहले लिखा गया, जबकि 3s 3p के बाद क्रम से हम 3d लिख सकते थे, नहीं लिखा, 4s को पहले लिखा क्यों, या n प्लस एल नियम से और अधिक स्पष्ट हो जाता है। वहां डायग्राम से स्पष्ट था, यहाँ नियम से स्पष्ट होता है। वैसे चुंबकीय क्वांटम जैसे हम मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के मानों के आधार पर यह जान पाते हैं कि कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। देखिए कैसे, यदि हम इन दो की तुलना करें 4s और 3d की, तो क्या कारण है कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। आइए देखते हैं कि 4s और 3d उपकोष के लिए हम n और l के मान ज्ञात करके n प्लस l का मान ज्ञात करेंगे। तो 4s के लिए जब हम n और l के मान ज्ञात करते हैं, तो 4s के लिए n बराबर 4 क्योंकि यह चौथी कक्षा है, और l बराबर 0 क्योंकि हम जानते हैं s p d f इनके लिए l के मान क्रम से 0 1 2 और 3 होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ s के लिए l का मान 0 तो 0 हो गया, तो n प्लस l इक्वल टू 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। अगर हम 3d के लिए करते हैं तो n बराबर 3 और d के लिए आप देखिए 2 है, तो l का मान तो l बराबर 2, तो n प्लस l बराबर 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। यहाँ 4 कम है किससे, 5 से, अतः 4s के अक्षक पहले भरा जाएगा। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब देखते हैं तो परमाणु संरचना के आज के 7वें व्याख्यान में हम लोगों ने अफबाउ नियम के अपवाद और n प्लस l नियम को सीखा, जिसके आधार पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था को जाना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रसायन विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनके आधार पर ही तत्वों की दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई है, जिसमें तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है, व्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त तत्वों के रासायनिक गुण तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित होते हैं। अतः आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक को सीखा। आशा है यह टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आप इसके वीडियो को बार बार देखिए, दीक्षा ऐप से को डाउनलोड कीजिए और उसकी सहायता से स्वलिखित नोट्स बनाइए। कुछ अभ्यास प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं, उनको करिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना अच्छे से सीखिए। ये हमने बार बार में कह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये रसायन विज्ञान की एक आधारशिला इसको कह सकते हैं, यह एक बेस है हमारी केमिस्ट्री का, उसको सीखिए। क्या हमारे गृह कार्य के रूप में प्रश्न है, पहला प्रश्न हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही दिया है, इसमें निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसमें अपवाद और अफबाउ नियम के आधार पर दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समावेशित किया गया है, आप पहचानिए और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। अगला प्रश्न है 5s और 4d कक्षक में पहले कौन सा कक्षक भरा जाएगा, कारण सहित समझाइए। यह n प्लस l नियम पर आधारित है, आप इसको हमने दो एग्जांपल दिए थे उन्हीं के आधार पर इनको करिए। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।